हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे इस एपिसोड में। आज हम लोग इंटरव्यू सीरीज ऑफ सॉन्ग में बात करेंगे मोहर सर्कल की। मोहर सर्कल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे कि आपके इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं और इसके रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम के रिटन और मेन्स पेपर में भी आपके पास आते हैं, जैसे कि गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम आप दे रहे हो, तो मोहर सर्कल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है। और इंटरव्यू में आपके मोहर सर्कल से, थर्मल स्ट्रेस से क्वेश्चंस आने ही पूछने ही उन्हें, अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताते हो। हमने थर्मल स्ट्रेस का वीडियो पहले बना चुके हैं, थर्मल स्ट्रेस से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज हम लोग मोहर सर्कल की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं मोहर सर्कल। मोहर सर्कल में हम लोग देखेंगे कि मोहर सर्कल का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। मोहर सर्कल में जितने भी पॉइंट्स हैं, जो सर्कमफ्रेंस है, वो उनका कोऑर्डिनेट्स क्या डिनोट करता है। मोहर सर्कल में जो एक्सिसेस हैं वो कैसे डिनोट करते हैं, वहाँ पे प्रिंसिपल प्लेन क्या होते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होते हैं, इन सब बातों को हम लोग मोहर सर्कल से हम लोग अभी समझने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, शुरू करते हैं हम लोग मोहर सर्कल। देखो, हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब हम लोग 2D स्ट्रेस एनालिसिस कर रहे थे, तो वहां से हमें दो फॉर्मूले निकल के आए थे। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन आप देख सकते हो अपने बुक में लिखा होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कॉस टू थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन टू थीटा। ये पहला इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर वन। और दूसरा इक्वेशन हमारा था टाउ थीटा का फॉर्मूला, किसी भी थीटा एंगल पे हम लोग निकाल सकते हैं सिग्मा थीटा और टाउ थीटा की फॉर्मूला। तो दैट वॉज माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू sin 2 theta and plus tau xy cos 2 theta. So these are the two formulas we have already derived while हम लोगों ने जब पढ़ा है, जब हमने थ्योरी पढ़ी है, या किसी भी बुक में आप जाके देख सकते हैं। ये दो फॉर्मूले होते हैं जहां पे थीटा कौन है ये समझना जरूरी है। तो हमारा ये जो फॉर्मूला दोनों है, उसमें हमारा जो प्लेन होगा, सपोज ये स्ट्रेस सिस्टम है हमारा, इस स्ट्रेस सिस्टम पे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स सपोज दिस इज सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स, सपोज दिस इज योर सिग्मा वाई, सपोज दिस इज योर सिग्मा वाई, एंड योर शियर स्ट्रेस इज लाइक दिस, सपोज योर शियर स्ट्रेस इज लाइक दिस। नाउ ये हमारा टाउ एक्स वाई मान लो सपोज। तो हमारा ऐसा अगर सिस्टम है, तो किसी भी प्लेन पे हम यहाँ पे एक लाइन खींचा और वर्टिकल से, वो प्लेन क्या, ये जो थीटा है ना, ये थीटा की मेजरमेंट देख रहे हैं कि हमारा प्लेन तो वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी एक प्लेन ले लेना, वर्टिकल से एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में जो प्लेन लोगे वही थीटा है। अगर उन्होंने हॉरिजॉन्टल से कुछ बोला तो ये फॉर्मूले में चेंजेज होंगे कुछ ना कुछ। आपको यही थीटा यहाँ पे पुट करना है इस फॉर्मूले से, तो निकल के आएगा हमारे पास, दो फॉर्मूले निकल के आ चुके हैं। सपोज हमने क्या किया, इन दोनों फॉर्मूले को स्क्वायर किया और दोनों को ऐड कर दिया। तो आप जब इसको स्क्वायर करोगे, इसको स्क्वायर करना एक नया इक्वेशन बनेगा, इसको स्क्वायर करना एक नया इक्वेशन बनेगा। उन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे, देन आपको क्या मिलेगा जरा देखो, आपको मिलेगा सिग्मा थीटा माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू की होल स्क्वायर प्लस में टाउ थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू रूट के अंदर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस में ताऊ एक्स वाई का स्क्वायर। ये ऐसा करके ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। इस कैसे मिलेगा, इसको स्क्वायर करना, दोनों आएंगे इक्वेशन में, उसको ऐड कर देना, यू विल गेट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, यू विल गेट दिस फॉर्मूला। यहां से ही ये फॉर्मूला आया है और यही मोहर सर्कल का फॉर्मूला है, अगर आपने बचपन की क्लासेस में अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जरा सा देखा होगा, तो जरा देखो, तो ये ऐसा कुछ है क्या, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर टाइप का कुछ। और अगर ऐसा कोई इक्वेशन हमारा रहता था बचपन में, तो इस इक्वेशन को हम लोग सर्कल का इक्वेशन बोलते थे। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड कैसी सर्कल, ऐसी सर्कल जिसकी सेंटर है a, 0 पे एंड
रेडियस उसकी कितनी है बेटा, रेडियस आर है। ऐसा सर्कल का ही इक्वेशन बना हुआ है, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। हमारा ऐसा ही कुछ ये भी है, यहाँ r के बदले में क्या है ये पूरा ड्रामा, a के बदले में क्या है ये पूरा ड्रामा, और x के बदले में क्या है सिग्मा थीटा, y के बदले में क्या है टाउ थीटा। तो हम क्या करेंगे कि ये पूरे ऐसे को हम लोग एक सर्कल में प्लॉट कर सकते हैं। मतलब कि हमारा मोहर इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, इंटरव्यू में पूछेंगे कि आपका मोहर सर्किल सर्कल ही क्यों बनाते हो, आप स्क्वायर क्यों नहीं बना देते, आप रेक्टेंगल क्यों नहीं बना देते, आप इलिप्टिकल क्यों नहीं बना देते। आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है सर सर्कल ही बनाएंगे ना, क्योंकि इक्वेशन सर्कल का आया है, मन से नहीं बना रहे हैं सर, हमारा इक्वेशन सर्कल का आया है, इस वजह से हम सर्कल बनाते हैं मोहर सर्किल। ये बात उनको बताना है, इंटरव्यू में जवाब देना है, और फिर आगे वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इनको भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो हमारा ये जो सेंटर होगा वो कहाँ पे होगा बेटा, मोहर सर्कल में सेंटर इज कंपेयर करो इससे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, और रेडियस इज दिस अंडर रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो दिस विल बी योर this is the equation of your Mohr circle, and this equation resembles to a circle, that's why Mohr circle is a circle and not any other shape. Now ab hum log baat kar rahe hain ki aur kaise question puch sakte hain, to hum logo ko Mohr circle mein, Mohr circle maan lo ki ek Mohr circle, for example maine ek aisa kuch de diya aapko, koi wala diagram maan lo hai sigma x, suppose this is sigma y, and suppose sorry this is your sigma x only, this diagram is like this, sigma x sigma y, and suppose ye tau bhi aapka yahan pe diya hua hai, ye bhi tau diya hua hai tau x y। now wo aapse kya puchhenge ki iski mohr circle bana ke dikhao, iski mohr circle aap bana ke dikhao, तो आप कैसे बनाओगे, तो आपको क्या करना कि यहाँ से पहले थीटा एंगल दिखाना, भाई ये डायग्राम जरूरी है, इसी डायग्राम का मोहर सर्कल बनेगा। अच्छा वर्टिकल लाइन क्या होता है थीटा इक्वल टू जीरो, ये जो वर्टिकल प्लेन होगा ना वो थीटा इक्वल टू जीरो होगा, यहीं से सारा का सारा थीटा हमारा मेजर मेजरमेंट करेंगे। नाउ दिस इज योर टाउ थीटा एक्सिस वाई एक्सिस एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस सपोज, दिस इज योर सिग्मा थीटा एक्सिस। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आप ना ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों को यहाँ पे मार्क कर लेना, मान लो ये पॉजिटिव है दोनों अभी, फॉर एग्जांपल नाउ सपोज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, फिर क्या करना आप करना टाउ एक्स वाई को मार्क करना। तो हम लोग टाउ एक्स वाई, एक्स वाला प्लेन ये होता है, एक्स प्लेन पे जाना, एक्स प्लेन पे जाना और देखना कि इसकी नेचर कैसी है। तो ये नेचर है काउंटर क्लॉक वाइज, काउंटर क्लॉक वाइज का मतलब है कि हमारा जो ये नेगेटिव टाइप क्या आएगा यहाँ पे, एंड दिस इज सपोज पॉजिटिव। नाउ आप क्या करना, आप करना कि यहाँ पे सेंटर हो जाएगा इसका, सेंटर क्या था अभी अभी देखा था हमने सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, मतलब इन दोनों के बीच में ही सेंटर आएगा, एवरेज है ना ये, तो एवरेज आपका इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, सो दिस इज सेंटर, इन इस लाइन को ज्वाइन करना। और यहाँ से देखो ये क्या है, ये वाला लाइन जो है वो क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक सिग्मा एक्स, यहाँ से यहाँ तक है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, ये लाइन आपका हो जाएगा ये लाइन, एंड दिस इज योर टाउ एक्स वाई, दिस इज योर टाउ एक्स वाई, और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतने में से माइनस ऑफ सिग्मा एक्स कर लेना, यू विल गेट दिस। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रूट के अंदर सिग्मा एक्स पाइथागोरस थ्योरम अपॉन वाई का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, और इसको कंपास लेना और कंपास से लेके इसको ड्रॉ कर लेना, हमने ड्रॉ कर लिया सपोज। अभी ये काम आपको आता होगा, मुझे मालूम है कि आपको आता है, इसके आगे की कहानी शुरू करेंगे। नाउ अब आपसे वो क्या पूछेंगे पेपर में कि मुझे बताओ कि ये इसमें इस पूरे सर्कल में मुझे थीटा इक्वल्स टू जीरो बताओ, मतलब वर्टिकल प्लेन को कौन डिनोट कर रहा है, वर्टिकल प्लेन को कौन डिनोट कर रहा है। तो एक बात बताओ बेटा, वर्टिकल प्लेन पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रेसेस है वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन मतलब ये प्लेन या यूं कहो कि ये प्लेन, तो इस प्लेन पे कौन कौन से स्ट्रेस लग रहा है, एक हमारा सिग्मा एक्स है और दूसरा टाउ भी है इस पे टाउ एक्स वाई। तो ऐसा इस देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, ये कोऑर्डिनेट्स जो है सर्कमफ्रेंस पे, मोहर सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जो भी कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली क्या है, वो किसी एक टाउ थीटा और किसी एक सिग्मा थीटा की वैल्यू है, सारे के सारे जितने भी कोऑर्डिनेट्स यहां पे आप दिख रहे हो ये कोई ना कोई इसका एक कोऑर्डिनेट क्या होगा,
सिग्मा थीटा गामा टाउ थीटा का होगा, वैल्यू होगा कुछ। तो ये किसी ना किसी प्लेन की स्टेट बता रहे हैं कि उस पर नॉर्मल स्ट्रेस कितनी है, उस पर सीयर स्ट्रेस कितनी है। समझ में आ रही बात? तो वो पूछेंगे तुम्हें कि थीटा इक्वल्स टू जीरो वाली प्लेन कौन सी है, इसमें कौन सी प्लेन है थीटा इक्वल्स टू जीरो वाली। तो थीटा इक्वल्स टू जीरो वाली प्लेन कहीं ना कहीं, देखो ये वाले प्लेन है क्या? नहीं है ये प्लेन। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाला प्लेन पे सिग्मा एक्स है, लेकिन इसमें टाउ तो है नहीं, ये तो टाउ है नहीं, टाउ तो जीरो है यहाँ पे। तो ये वाले प्लेन बच्चे जीरो, थीटा इक्वल्स टू जीरो बता देते हैं, और यही प्लेन बता देते हैं कि आपका वर्टिकल प्लेन है। बट दिस इज नॉट करेक्ट। आपका वर्टिकल प्लेन यहाँ पे है बेटा, थीटा इक्वल्स टू जीरो डिग्री। देखो जरा इसकी कोऑर्डिनेट, देखो इसकी कोऑर्डिनेट, देखो कोऑर्डिनेट से आपको क्या समझ में आ रहा है? इसकी कोऑर्डिनेट, अगर इस पॉइंट की मैं कोऑर्डिनेट पूछूंगा तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? सिग्मा x। और y कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस ऑफ सिग्मा एक्स वाई। तो आप देख सकते हो ये जो x प्लेन पे ये जो इसकी रोटेशनल टेंडेंसी है किधर की तरफ है? काउंटर क्लॉकवाइज की तरफ है। ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। तो काउंटर क्लॉकवाइज शियर स्ट्रेस को हम लोग जनरली नेगेटिव लेते हैं। तो हमारा यही वो कोऑर्डिनेट है जो कि थीटा इक्वल्स टू जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? थीटा इक्वल्स टू जीरो का मतलब वर्टिकल प्लेन यहां से स्टार्ट होगा एंड ऑल अदर मेजरमेंट विल बी डन फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली। सारे के सारे मेजरमेंट यहीं से होंगे। जब आप यहां पे थीटा इक्वल्स टू बोलेगा ना कोई, आपसे बोलेगा थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री लेने के लिए, तो 30 डिग्री इस वाले प्लेन में अगर कोई थीटा बोल रहा है तो यहां पे आपको 2 थीटा मूवमेंट करना पड़ेगा। वो भी देखते हैं क्यों। तो यहां से ही लेना, 0 डिग्री से 2 थीटा मूवमेंट कर जाना। मान लो यहाँ 30 डिग्री कोई बोल रहा है तो यहाँ से इसी पॉइंट से 60 डिग्री मूव करना बेटा। अगर नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा आंसर। समझ में आ रही है बात? यही है थीटा इक्वल्स टू जीरो, यानी कि वर्टिकल प्लेन यही है, वर्टिकल प्लेन को रिप्रेजेंट यही कर रहा है। इतनी बात क्लियर है? मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रही होगी। मोहर सर्किल, इस डायग्राम का मोहर सर्किल ये है, आप ऐसे खींच के मत मान लेना। और जब तक थीटा इक्वल्स टू जीरो डिग्री नहीं लिखोगे अपने पेपर में या इंटरव्यू में, तब तक वो आपको मार्क्स नहीं देंगे। वो थीटा इक्वल्स टू जीरो का महत्व है क्योंकि वही से स्टेट ऑफ स्ट्रेस आप बता सकते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? बिल्कुल। नाउ अब देखो, अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने एक चीज बोला कि भाई जो चीज आप रियल डायग्राम में थीटा लेते हो वो मोहर सर्किल में आप 2 थीटा लेते हो, ऐसा क्यों? जरा देखते हैं। हमारा जो ये मान लो कि ये है एक रियल डायग्राम है, सपोज यहाँ पे हम लोग ये प्लेन यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज ये थीटा, और हमारा जो मोहर सर्कल, देखो मोहर सर्कल में कितना एंगल, किसी सर्कल के पास कितना एंगल होता है? मान लो थीटा इक्वल्स टू जीरो यहाँ से था, मान लो सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट किया तो 360 डिग्री का मूवमेंट हो रहा है, तब जाके सारे कोऑर्डिनेट्स तुम्हें मिल रहे हैं 360 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जरा देखो, जैसे ही तुमने थीटा इक्वल्स टू कुछ लिया, फिर थीटा बढ़ाते गए, देखो बढ़ाते गए, तो ये सारे प्लेन 90 जब मैं कर दूंगा, या मैं 90 जब मैं कर दूंगा तो ये सारे प्लेन कवर हो जाएंगे क्या? थीटा इक्वल्स टू 10, 20, 30, 60, 70, 75, 80, 90, 90 में इधर वाले सारे प्लेन कवर हो चुके हैं। और 90 से जब मैं 90 से बढ़ाने लगा, मान लो ये 120 है, तो इधर वाले प्लेन देखो कवर हो रहे हैं, 120 पे इधर वाला प्लेन भी, 100 और ज़्यादा किया 130 पे ये भी कवर हो गया, 140 पे ये भी कवर हो गया, ये वाला देखो 140 पे, ये 160 पे ये भी कवर हो गया, और 180 पे जाते जाते सारे प्लेन हमारे कवर हो चुके हैं 180 पे जाते हुए। मतलब कि यहाँ से जब तुम मूवमेंट कर रहे हो, तुम यहाँ देखो, यहाँ से जब तुम मूवमेंट कर रहे हो तो जब जब तुम थीटा की वैल्यू एक्यूट जब रहेगी 90 तक रहेगी तो इधर वाली सारी प्लेन कवर हो गई, और जब मैं तुमने ऑब्ट्यूज किया तो तुम्हारा इधर वाला सारा प्लेन कवर हो गया है। यानी कि 180 डिग्री थीटा को मूवमेंट करा रहे हो, जीरो से लेके 180 तक मूवमेंट करा रहे हो, जीरो से लेके 180 डिग्री तक मूवमेंट करा रहे हो, उतने में ही तुम्हारा सारा प्लेन कवर हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जीरो से लेके 360 तक मूवमेंट करा के आपका टोटल कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोगुना चल रहा है भाई। यहाँ 180 में ही सारा प्लेन खत्म हो गया, यहाँ 360 में तुम्हारा प्लेन खत्म हुआ है। समझ में आ रही मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर तुम इस कोऑर्डिनेट वर्टिकल प्लेन से देखो तो तुम यहाँ से ऐसे बढ़ते जा रहे हो, जैसे ही तुम 90 पे पहुंचोगे इधर वाले सारे प्लेन तुम्हारे खत्म हो गए, और 90 से ऊपर जब तुम बढ़ोगे तो इधर वाले सारे प्लेन तुम्हारे खत्म होते जा रहे हैं। देखो, तो ये सारे प्लेन, मतलब कि तुम 0 से 180 में ही तुम्हारा सारा प्लेन कवर अप हो जाएगा, लेकिन मोहर सर्किल में तुम्हें 0 से 360 जाना पड़ेगा। इस वजह से तुम इधर अगर थीटा लोगे तो इधर तुम्हें 2 थीटा लेना पड़ेगा, और तब जाके हमारे मोहर सर्किल की जो कैलकुलेशन होंगी वो चलेगी। समझ में आ रही है मेरी बात? ये भी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ कुछ जो स्टैंडर्ड मोहर सर्कल के केसेस होते हैं उनको देखते हैं।
मान लो कि एक 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 ये ऐसा कुछ फिगर है आपके पास, सपोज दिस इज योर सिग्मा एक्स, ये दिस इज योर सिग्मा एक्स। हम मोहर सर्किल इसकी बनाते हैं, सिर्फ ये यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम है, मोहर सर्किल कैसे बनाएगा? तो सिग्मा एक्स की वैल्यू दिखाओ, सिग्मा एक्स ये जीरो क्योंकि सिग्मा वाई कछु नहीं है तो जीरो। नाउ आपका ये मोहर सर्किल यही बनेगा। आपको बोले थीटा इक्वल्स टू 0 बताओ, तो थीटा इक्वल्स टू 0 मतलब वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन पे कौन सा स्ट्रेस सिस्टम है? पछो सिर्फ सिग्मा एक्स है और टाउ तो है नहीं, टाउ तो नहीं है, टाउ है ही नहीं, तो बिल्कुल नहीं है टाउ। तो आपका ये वाला कोऑर्डिनेट देखो, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? सिग्मा एक्स कॉमा 0 और यही है आपका इस ये वर्टिकल प्लेन पे। तो दिस पॉइंट इज थीटा इक्वल्स टू 0। देखो पिछले वाले केस में इधर आ रहा था थीटा इक्वल्स टू 0, इधर अभी इस वाले केस में थीटा इक्वल्स टू 0 यहां आ रहा है। बदलेगा जैसा कि जैसा भी वेरिएशन आपके क्वेश्चन में रहेगा उस हिसाब से आपका थीटा इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा, तभी जाके आपका सॉल्यूशन सही होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी बात। नाउ अब प्योर शियर एक होता है, प्योर शियर मतलब कि इस टाइप का कोई सिचुएशन बन रहा है, सपोज दिस इज योर सिग्मा, दिस इज योर सिग्मा, दिस इज माइनस सिग्मा। बोलते हैं कि प्योर शियर का मोहर सर्किल बना दो, इंटरव्यू में बोलेंगे आपसे कि प्योर शियर का नहीं मोहर सर्किल बना दो, तो ऐसे बना देना कि सिग्मा थीटा टाउ थीटा, और आप क्या करना दिखाना यहाँ पे सिग्मा एक्स की जगह पे सिग्मा लिख लो, ये है सिग्मा, क्योंकि सिग्मा एक्स प्लस में सिग्मा है, सिग्मा वाई माइनस में सिग्मा है। और देखो तो इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, सेंटर का क्या अभी लिखा था ए कॉमा जीरो में, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, नाउ इक्वल्स टू सिग्मा माइनस सिग्मा वाई टू, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ जीरो पे आपका सेंटर आएगा, रेडियस आप उसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करना, आ जाएगा सिग्मा है। तो आपका प्योर सर प्योर शियर के लिए आपका मोहर सर्किल हो गया। इस वाले केस में आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट होते हैं ना, जो मोहर सर्कल एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करता है वहां पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू जीरो होगी। ऑब्वियस बात है, जहाँ पे एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट को कट करता है कोई भी लाइन या कोई भी फिगर, उस पॉइंट की वाई कोऑर्डिनेट जीरो होती है। तो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट क्या है? शियर स्ट्रेस है, तो यहाँ पे जीरो होती है। दिस पॉइंट्स आर नोन एज प्रिंसिपल प्लेन्स, इन पॉइंट्स को हम लोग प्रिंसिपल प्लेन्स बोलते हैं। तो और उस प्लेन पे जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी दैट इज योर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सो नाउ दिस इज प्रिंसिपल स्ट्रेस, दिस इज प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड दिस इज योर मैक्सिमम शियर, दिस इज योर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, दिस इज योर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हमारा जो सिग्मा वन यानी कि सिग्मा सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू मॉड में अगर ले लें हम, एंड दैट विल बी इक्वल टू टाउ की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगी। तो प्योर शियर का ये कंडीशन होगा। कभी कभी वो पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि बता भाई मुझे फ्लूइड की एलिमेंट है कोई, ये आपने कोर्स में ही पढ़ा होगा बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते। फ्लूइड की एक एलिमेंट है, मान लो ये फ्लूइड है, फ्लूइड की एलिमेंट पे का ये मोहर सर्कल बना दो। ये पेपर में गेट में भी पूछा गया है और आगे भी आते रहते हैं एग्जाम्स में। तो चलो देखो फ्लूइड एलिमेंट है, फ्लूइड एलिमेंट पे हमें पता है कि कैसा फोर्स लगेगा, हमेशा कंप्रेसिव फोर्सेस लगते हैं, कंप्रेसिव फोर्सेस। और किसी एलिमेंट की बात अगर हो रही है तो उस पर हर तरह से सेम टाइप के प्रेशर फोर्स उसको दबा रहे होंगे, और कंप्रेसिव प्रेशर फोर्सेस हर डायरेक्शन में किसी एक छोटे से एलिमेंट पे अगर फ्लूइड की मैं सेलेक्ट करूँ तो हर डायरेक्शन का फोर्स क्या होगा, हर डायरेक्शन पे प्रेशर क्या होगी, बराबर होगी। क्यों होगी बराबर? क्योंकि पास्कल्स लॉ यही बोलता है कि हमारे किसी भी पॉइंट पे हर डायरेक्शन में, किसी भी पॉइंट पे हर डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स की वैल्यू जो होगी वो बराबर होगी, पास्कल्स लॉ। और यहाँ पे वही चीज देख रहे हैं हम लोग। तो अगर मैं इसका मोहर सर्किल बनाऊं, तो मोहर सर्किल बनाओगे तो क्या होगा, सिग्मा एक्स कहाँ पे आ रहा है बेटा बताओ, सिग्मा एक्स योर सिग्मा एक्स की वैल्यू यहाँ पे होगी, यहाँ होगी माइनस में पी। सिग्मा वाई कहाँ पे होगा, यही होगा, तो ये माइनस में पी। और सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, नाउ माइनस पी बाई टू, सो नो दिस इज प्लस, so this is equals to minus 2p by 2 and that is equal to minus p, मतलब minus p पे ही आपका आ रहा है center, radius भी यहाँ radius zero आएगा इसका, radius देखो radius equals to root के अंदर sigma x minus sigma y upon 2 का square plus tau xy का square, now tau xy तो कुछ है नहीं तो ये zero हो जाएगा आपका, and that will be equals to root के अंदर sigma x यानी कि minus of p minus minus plus p by 2 का whole square, minus p plus p cancel out, you will get 0 0, so radius will be 0, so this will be a point circle, और इनमें से कि circle having zero radius किसका, fluid element का मोहर circle अगर आपको बनाने के लिए कोई बोले तो that will be circle having zero radius। समझ में आ रही बात? ये बातें हैं कुछ इंटरव्यू के लिए आपको जरूरी है, आप मुझे
पूरा भरोसा है कि आपको याद होगा, बट फिर भी रिवाइज कर सकते हैं आप, और रिवाइज करना चाहिए आपको जितनी बार हो सके, रिवाइज करिए। इंटरव्यू, जो भी इंटरव्यू में आप अपीयर होने जा रहे हैं, मोहर सर्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फेवरेट सब्जेक्ट है तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।